ईवीएम पर आरोप लगाने वालों को चुनाव आयोग की खुली चुनौती, कहा 1 मई के बाद हैक करके दिखाएं विरोध करने वाले। जल्दी ही तारीख और जगह का ऐलान करेगा चुनाव आयोग, आज तक से सबसे पहले दिखाई थी खबर। ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, 13 दलों की अगुवाई में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। ईवीएम को लेकर विपक्ष की शिकायत को सरकार ने किया खारिज, वेंकैया नायडू बोले हार की वजह से परेशान है कांग्रेस। ये अपना हार को और जो नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने वो इस विषय को पच नहीं पा रहे, तथ्य को पच नहीं पा रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी उठाए ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, राजस्थान में मशीनें मंगाने पर जताई आपत्ति। केजरीवाल ने की एमसीडी चुनाव में जेनरेशन 3 की मशीनों के इस्तेमाल की मांग, राजस्थान से मंगाई गई सभी ईवीएम मशीनों में हुई है छेड़छाड़। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने रखी शर्त, सभी पार्टियों को अपने एक्सपर्ट के साथ ईवीएम के रैंडम चेक की इजाजत। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की बड़ी लामबंदी, 13 दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। विपक्ष ने राष्ट्रपति से की मोदी सरकार के खिलाफ शिकायत, कहा देश में डर का माहौल। विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज, वेंकैया नायडू बोले प्रधानमंत्री मोदी से बेहद खुश हैं लोग। जनता ने ऑलरेडी अपना मैंडेट दिया है और मोदी जी को 2014 में उसको ये पच नहीं पा रहे, अपना हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। यूपी में योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 आईएएस अधिकारियों के विभाग में तब्दीली। प्रमुख सचिव पद से अखिलेश के चहेते, नवनीत सहगल की छुट्टी, अवनीश अवस्थी को अतिरिक्त प्रभार। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पद से हटाए गए रमारमण, अमित मोहन प्रसाद बने मुख्य कार्यपालक अधिकारी। लखनऊ की गोमती रिवर फ्रंट मामले में योगी सरकार की पहली कार्रवाई, वित्तीय अनियमितता के आरोप में असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड। यूपी के साइकिल ट्रैक पर हथौड़ा चलाएगी योगी सरकार, सड़क चौड़ी करने की कवायद। लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के कृषि भवन में औचक निरीक्षण का दिखा असर, काम पर वक्त से पहुंचे तमाम अधिकारी कर्मचारी। यूपी के फतेहपुर में थाने में बीजेपी विधायक का हंगामा, रामनवमी के दिन हुए लाठीचार्ज को लेकर बवाल। एमसीडी चुनाव से पहले बड़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किल, तुरंत खाली करना होगा राउत एवेन्यू का दफ्तर, पीडब्ल्यूडी ने थमाया नोटिस। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के वॉर रूम में पहुंचा आज तक प्रचार के साथ विरोधियों की रणनीति पर भी पैनी नजर। अलीगढ़ में बीजेपी जनता युवा मोर्चा के नेता ने दिया विवादित बयान, ममता बनर्जी का सिर कलम करने पर रखा इनाम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सर काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। बाद में योगेश वार्ष्णेय ने बयान पर जताया खेद, लेकिन पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। मुंबई में एनसीपी को झटका, पार्टी से जुड़े कई युवा नेता उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल। कुलभूषण जाधव को लेकर मुंबई में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। अजमेर में जाधव को बचाने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, नवाज शरीफ का पुतला फूका। कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस की पहल, लॉन्च किया हस्ताक्षर अभियान। कुलभूषण जाधव को लेकर गरमाई सियासत, भोपाल में पाकिस्तान के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। वाराणसी में जाधव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन, जल्द से जल्द रिहाई की मांग की। दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का प्रदर्शन, कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा का विरोध। कुलभूषण जाधव को लेकर जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने पीओके की आजादी के नारे लगाए। शिवसेना प्रमुख ने की पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा धमकी देने से नहीं बनेगी बात।
भारत पाक तनाव के बीच नवाज शरीफ से मिले पाकिस्तानी सेना प्रमुख, फौज की तैयारियों को लेकर बातचीत के कयास। कश्मीर में वोटिंग के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की पिटाई का वीडियो सामने आया, युवकों ने हमला किया। ईवीएम और पोलिंग पार्टी को बचाने की वजह से नहीं दिया कोई जवाब, बड़गांव का हो सकता है वीडियो। वीडियो सामने आने के बाद सीआरपीएफ ने दिए जांच के आदेश, कहा इसे कमजोरी ना समझे। पोरबंदर में कोस्ट गार्ड की जाबाजी, दो पाकिस्तानी कमांडोज को समंदर में डूबने से बचाया, सामने आया अभियान का वीडियो। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर फिर तिलमिलाया चीन, दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने की दी चेतावनी, धर्मगुरु पर हद पार करने का आरोप लगाया। नोएडा में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, शिकायतों की जांच के लिए प्रशासन ने बनाई कमेटी। पंजाब यूनिवर्सिटी मामले पर सियासत गर्म, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। किसी ने की छात्रों से देशद्रोह का केस हटाने की मांग, फीस में इजाफे के विरोध में कल कैंपस में हुई थी हिंसा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के विधायक ललित नागर के घर ईडी की छापेमारी, रॉबर्ट वाड्रा के लिए जमीन दलाली में भाई महेश का नाम। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर प्रेमी जोड़े से बदसलूकी का आरोप, लव जिहाद के नाम पर गुंडागर्दी। पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता करने के आरोप में लड़के को भेजा जेल, लड़की के घर वालों की शिकायत पर कार्रवाई। यूपी के कौशाम्बी में बार बार छेड़छाड़ से परेशान होकर एक महिला की खुदकुशी, जहर खाकर जान। यूपी के बलरामपुर में 6 साल की मासूम से रेप, 25 साल का आरोपी युवक गिरफ्तार। हैदराबाद में नई नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, मौत से पहले वीडियो बनाकर ससुराल वालों पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। सामने आया झांसी के स्कूल में प्रिंसिपल से मारपीट का वीडियो, गांव के दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। तिरुवनंतपुरम में आया पुलिस वालों का बर्बर चेहरा, महिला प्रदर्शनकारी पर चलाए थप्पड़। बाहरी दिल्ली के बवाना में झुग्गी बस्ती में जबरदस्त आग, दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पंजाब के अमृतसर में भीषण सड़क हादसा, 4 बच्चों समेत 6 की मौत। बिहार के दहसेसराय में घर वालों को बंधक बनाकर प्रिंसिपल के घर डकैती, लाखों के गहने और कार ले गए बदमाश। पंजाब के जालंधर में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के छपरा में चपेट में आकर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पूरी तरह से खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे का शक। 1 मई से 5 शहरों में हर रोज बदलेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, पायलट के सफल होने के बाद देश भर में लागू होगी नई योजना। मार्च में 3.81% पर पहुंची रिटेल महंगाई दर, फरवरी में 3.65% थी खुदरा महंगाई दर। फरवरी में नेगेटिव में हुआ IIP, जनवरी के 3.2% के मुकाबले फरवरी में -1.2% हुआ। भारत में चुनिंदा मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती है एप्पल, रियायतों पर सरकार ने अभी तक नहीं किया कोई फैसला। ईपीएफओ ने 30 अप्रैल तक बढ़ाई आधार नंबर जमा कराने की मियाद, पहले 31 मार्च तक जमा करना था आधार नंबर। जीपीएफ से पैसा निकालने पर एडवांस लेकर किसी तरह के दस्तावेज की नहीं होगी अब जरूरत, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। एयरटेल डिजिटल टेलीविजन ने लॉन्च किया एंड्रॉयड आधारित सेट टॉप बॉक्स, टीवी चैनल्स के साथ ही ऑनलाइन कंटेंट देखना अब मुमकिन। एयरसेल में भी रोमिंग में इनकमिंग फ्री, जियो, आइडिया, वोडाफोन, BSNL पहले ही दे रही थी फ्री रोमिंग। 1 लाख रुपए के टेक्सटाइल मार्केट में सालाना 12% की ग्रोथ की उम्मीद, एक स्टडी में दावा। जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच बैंक में खाता खुलवाने वालों को आधार से जोड़ना होगा जरूरी, 30 अप्रैल के बाद नहीं कर पाएंगे लेन देन। 144 अंकों की गिरावट के साथ 29,643 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 33 पॉइंट्स गंवाकर 9,203 पर बंद। 1 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचे सोने के दाम, 410 रुपए प्रति तोले के उछाल के बाद 29,760 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई कीमत। नोएडा अथॉरिटी ने बायर्स और आम्रपाली मैनेजमेंट के बीच कराई बैठक, सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट में देरी को लेकर हंगामेदार मीटिंग। उत्तर भारत में तेजी से चढ़ेगा पारा, मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 दिनों में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। IPL 10 में आज मुंबई और हैदराबाद की भिड़ंत, वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है इकलौता मुकाबला। राजस्थान के करौली में जैन तीर्थांकर भगवान महावीर की रथ यात्रा, शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। नेपाल में मधेशियों ने खारिज किया संविधान में संशोधन, अगले महीने होने वाले निकायों का करेंगे बहिष्कार।
उत्तर कोरिया में सालाना परेड की तैयारियां शुरू। 15 अप्रैल को किम इल सुंग के जन्मदिन पर होता है समारोह। 15 अप्रैल को आईसीबीएम का परीक्षण कर सकता है उत्तरी कोरिया। किम जोंग उन ने पहले दी है चेतावनी। उत्तर कोरिया तक नौसेना बेड़े को भेजने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। चीन ने दी मामले का शांतिपूर्ण हल निकालने की नसीहत। सीरिया में अमेरिकी कार्रवाई पर रूस का पलटवार। पूछा आखिर क्या है ट्रंप प्रशासन की असली मंशा। अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी राष्ट्रपति की दो टूक। कहा बहुत दिनों तक नहीं चलेगा सीरिया में केमिकल हमले वाला झूठ। मॉस्को में मिले रूसी और अमेरिकी विदेश मंत्री। सीरिया को लेकर बेहद तनावपूर्ण माहौल में बातचीत। अमेरिका में यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्री से बदसलूकी। ज्यादा बुकिंग होने की वजह से मुसाफिर को घसीट कर उतारा। ब्राजील में एक छात्र के कमरे की दीवारों पर रहस्यमय लेखों ने उड़ाई दुनिया की नींद। 27 मार्च से लापता है 24 साल का सुमी।